यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं MPSB के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया था, बताया गया है कि जो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हैं वो यहाँ पर रहेगी अगस्त में, राइट। हम लोग यदि स्पेसिफिक MP डेट की बात करें तो अगस्त से आपकी एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि इनकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। इससे थोड़े ही दिन पहले आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पर दो एजेंसी मिलकर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, एक एग्ज़ाम करवाएगी और दूसरी पहली वाली एजेंसी के ऊपर नज़र रखेगी, राइट। तो उसी से रिलेटेड एक अध्यादेश और यहाँ पर पास किया गया है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक्ट जो है इसका पूरा ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। अध्यादेश से हो सकता है लागू सभी तरीके की गड़बड़ियाँ और गैर जमानती यहाँ पर होगी, ठीक है। मतलब क्या ये कहना चाह रहा है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में पेपर लीक पर 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। जैसे कि यदि हम लोग नीट एग्जाम की बात करें, राइट, तो वो सदन तक पहुंच चुकी है बात। तो कहीं ना कहीं हर राज्य जो अपनी स्पेसिफिक एग्जाम कंडक्ट करवाता है उन सब के ऊपर भी पॉलिसीज लगाई जाएगी। तो मध्य प्रदेश इस बारे में क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर में थी। नीट पेपर लीक की चर्चाओं के बीच में मध्य प्रदेश अब भर्ती परीक्षा हो या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बना रही है। और एक डेटा भी आया था कि यहाँ पर जो है प्रीवियस 5 सालों की बात करें तो 65 पेपर लीक यहाँ पर हुए हैं ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ठीक है। फिलहाल इस पर अध्यादेश लागू हो सकता है। इसमें परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो पेपर लीक व किसी भी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है वो सीधे उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा, है ना, और 10 साल तक की सज़ा इसमें डिसाइड करी गई है, ठीक है। आरोपी की प्रॉपर्टी भी यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी। एक्ट का प्रारूप तैयार हो गया है, इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है। सरकार की कोशिश थी कि इसे मौजूदा विधानसभा सत्र में ही लेकर आया जाए, लेकिन अब इसे सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की तैयारी है। एक्ट के प्रारूप बनाने का काम स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पूर्व में नकल को रोकने व कार्रवाई से जुड़े नियम भी स्कूल शिक्षा विभाग ने ही लेकर आए थे, तो ये काम उनको यहाँ पर सौंपा गया है, ठीक है। संगठित अपराध मिलता है तो सज़ा भी बढ़ेगी और संपत्ति भी यहाँ पर जब्त कर ली जाएगी। सर्विस प्रोवाइडर यदि गड़बड़ी को तुरंत पुलिस या परीक्षा एजेंसी को नहीं बताता है, जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है और पता चला है कि कहीं पेपर लीक हुआ है या कोई भी गलती यहाँ पर हुई है, अगर इसको छुपाया गया, इस बात को छुपाया गया, तो उनके ऊपर भी यहाँ पर केस किया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? सर्विस प्रोवाइडर उसे माना जाएगा जो परीक्षा के लिए कंप्यूटर से लेकर अन्य संसाधन या सिस्टम उपलब्ध करवाएगा। जैसे अपनी MP के जो एग्ज़ाम होती है उसमें TCS इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको जो कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाते हैं जिस पर आप काम करते हैं, जितने भी वहाँ पर टेक्निकल टीम होती है वो सब वहाँ से प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो वो भी अब इस दायरे में कंसीडर किया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर परीक्षा केंद्र को स्वेच्छा से नहीं बदल सकेंगे, गड़बड़ी में पाए गए तो वे भी यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। परीक्षा में गड़बड़ी में यह बात साबित हो जाए कि सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा व्यक्ति या पदाधिकारी जिम्मेदार है तो उसे भी 10 साल की सजा और जुर्माना होगा। संगठित अपराध में सजा जुर्माना मैक्सिमम हो सकता है, मतलब बहुत लोग या पूरा कम्युनिटी मिलकर इस काम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो यहाँ पर बढ़ सकता है। DSP या असिस्टेंट कमिश्नर के पद से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती है तो एक बड़े लेवल पर जांच यहाँ पर की जाएगी। सरकार चाहे तो SIT बना सकती है या केंद्रीय राज्य की इन्फोर्समेंट एजेंसी से यहाँ पर जाँच को उसका पूरा जिम्मेदारी दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, विधि विभाग को भेजा गया है ड्राफ्ट। यह सही है कि हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं, अब सीधे जवाबदारी तय की जाएगी कि कौन इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मान लो पेपर लीक हो रहा है तो आप किस व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, किसके पास हेल्प के लिए जाओगे, राइट। तो विधि विभाग के परीक्षण के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। नोटिफिकेशन होने से पहले लागू होने वाले प्रावधानों की चर्चा यहाँ पर नहीं की जा सकती है, ये बताया स्कूल शिक्षा मंत्री ने, जो कि मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। एक न्यूज़ और आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो कि आपके 2 दिन पहले की है कि MPSB जो आपका पहले व्यापम था फिर MPPB बना, ठीक है, तो नाम वही है, बस चेंज कर दिया गया है। MPSB में अब 2 एजेंसी है, एक कराएगी ऑनलाइन एग्ज़ाम और दूसरी करेगी हाईटेक CCTV से उस एग्ज़ाम की निगरानी के कहीं पर कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं हो रही हो। तो अभी तक नाम चेंज करते जा रहे थे, जब भी पेपर लीक होता है, जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो सिर्फ नाम चेंज हो जाता था जो हमें ऊपर से समझ आता है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करा इन्होंने, 2 एजेंसी डाली। देखो हर बार जो होता है
यही होता है कि 3 से 4 सालों में एग्ज़ाम होती है, कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन यहाँ पर होते रहते हैं। लाइव CCTV से यहाँ पर हर जगह की निगरानी रखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने टारगेट किया है कि इस साल हम लोग 20 एग्ज़ाम करवाएंगे और लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उसके अंदर शामिल होंगे। दैट मीन्स एक बहुत बड़े लेवल पर अब ये एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, तो उस हिसाब से इनको तैयारी भी करनी पड़ रही है, ठीक है। और प्रोसेस वही सारा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस यहाँ पर होगी, सिक्योरिटी एजेंसी यहाँ पर रहेगी, ठीक है, ये सारे काम इनके रहेंगे, ओके। तो इस तरीके से डिजिटल सेफ्टी के साथ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए 2 एजेंसी को यहाँ पर लाया गया है। और अगर पेपर लीक होता है तो सख्ती से यहाँ पर कार्रवाई की जाने की बात करी गई है, ओके। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अगर एक बार ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाती है देन आपके एग्ज़ाम फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, फिर से MP के एग्ज़ाम कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और इस बार कुछ बड़े लेवल पर ही एग्ज़ाम आपकी करवाई जाएगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। अगर बंद कर दी है तो फिर से आप शुरू करें, क्योंकि जल्दी आपको अब अपने एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस भी देखने को मिलेंगे, ओके। सो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।